9 मई के वाकया चेयरमैन पीटीआई की 9 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें बहाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को दोबारा समाअत का हुक्म दे दिया। अदम पैरवी पर जमानत खारिज करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सेशन कोर्ट को 6 और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को 3 केसेस में दरखास्तें सुनकर फैसला करने की हिदायत। साइफर केस चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत की समाअत इन कैमरा होगी या नहीं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। अदालत का कार्रवाई बराह रास्त दिखाने का इंदिया, चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। मामला फुल कोर्ट के सामने रखा है, कमेटी काम कर रही है, इजाजत पर अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाई जाएगी। समाअत इन कैमरा नहीं की जा सकती। प्रोसिक्यूटर शाह खावर बोले, साइफर को हर सूरत खुफिया रखा जाता है, डी कोड किए गए साइफर को जाया कर दिया जाता है, सिर्फ असल साइफर दफ्तर खारजा में मौजूद रहता है। क्या फैजाबाद धरना केस के फैसले पर अमल दरामद हो गया? क्या आईनी और कानूनी इदारों का नजरसानी दरखास्तें वापस लेने का फैसला आजादाना है? नजरसानी दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर क्यों ना हुई? नजरसानी दरखास्तें वापस लेने के लिए एक साथ मुतफरक दरखास्तें क्यों आईं? फैजाबाद धरना नजरसानी केस में सुप्रीम कोर्ट के सवालात, फरीकैन को सोचने के लिए 27 अक्टूबर तक मोहलत। अदालत उज़्मा ने 28 सितंबर की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट अदलिया की आजादी के खिलाफ है। तहरीक इंसाफ ने तहरीरी मारूजा सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। जवाब को केस रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तेदा, चीफ जस्टिस की सरबराही में फुल कोर्ट कल केस की समाअत करेगा। नवाज शरीफ ने वापसी का टिकट कटा लिया। 21 अक्टूबर को लंदन से अबूधाबी, फिर लाहौर आएंगे। लीगी कायद की परवाज़ अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 6:25 पर लैंड करेगी। जाती स्टाफ और मुशीर नवाज शरीफ के साथ होंगे। मुतादिद लीगी रहनुमाओं और साबिक अरकान पार्लियामेंट की सीटें भी इसी परवाज से बुक। तमाम सियासतदानों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। हर जमात को मुस्बत किरदार अदा करना होगा। अभी तक इब्तदाई हल्का बंदियां हुई हैं, एतराजात दायर होंगे। यूसुफ रजा गिलानी की मुल्तान में मीडिया टॉक, नवाज शरीफ की शख्सियत पर तबसरे से गुरेज। बिजली बिलों में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट खत्म करने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने दलाइल के लिए 16 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी। अहम केस है, कोई इल्तवा नहीं मिलेगा, वीडियो लिंक सहूलत भी नहीं होगी। सब वकला इस्लामाबाद आएं, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की हिदायत। अटर्नी जनरल को भी नोटिस जारी। सिंध में 50,000 से ज्यादा मुल्जिमान मफरूर हैं। आईजी के सिंध हाई कोर्ट में जमा कराएगी रिपोर्ट में इंकशाफ। सिर्फ लाड़काना डिवीजन में मफरूर मुल्जिमान की तादाद 23,000 से ज्यादा है। अदालत का इजहार हैरत। तमाम मफरूर मुल्जिमान के शनाख्ती कार्ड, बैंक अकाउंट्स फौरी ब्लॉक करने का हुक्म। आईजी को मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी का टास्क दे दिया। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज बनाने का मिशन। निगरान वजीर आजम ने बच्चों को कतरे पिलाकर कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया। अनवर उल्लाह काकड़ बोले, पोलियो के खिलाफ जंग जीत कर रहेंगे। मुल्क भर में 4,28,40,000 बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। पिंक का इन्फेक्शन, नाजायज मुनाफाखोरों ने कमर कस ली। लाहौर में आई ड्रॉप्स और अरके गुलाब की शदीद किल्लत पैदा हो गई। मांग बढ़ने पर ड्रॉप्स ब्लैक में फरोख्त होने लगे। डायरेक्टोरेट ऑफ ड्रग कंट्रोल का किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। सिर्फ हाथ धोएं, सफाई रखें, वायरल इन्फेक्शन में किसी दवा की जरूरत नहीं। वजीर प्राइमरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासिर का मौकिफ। करंसी स्मगलर्स के खिलाफ ट्रैक डाउन का असर, रुपया मजीद मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मजीद 84 पैसे कमी, 286.90 रुपए पर ट्रेड। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान, 100 इंडेक्स में 350 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा।
निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब का गवर्नमेंट पायलट स्कूल वाहदत रोड का दौरा, असातिज़ा की अदम हाजिरी पर इजहार बरहमी, कहा तालीम का मयार ये है कि बच्चों को असातिज़ा नहीं दे सकते, दफ्तरों में बैठकर सब अच्छा कहकर लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, इस तरह स्कूल चलाने हैं तो बेहतर है बंद कर दें। दो साल से कंप्यूटर, फिजिक्स और दीगर लैब्स बंद, तलबा प्रैक्टिकल से महरूम, कराची के दो सरकारी कॉलेजेस का बुरा हाल, एसएम साइंस, सिंध डिग्री बॉयज कॉलेजेस में तलबा को असातिज़ा का इंतजार, कॉलेजेस में वॉशरूम्स और पीने के पानी की सहूलत भी मौजूद नहीं। हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ पेरिस में सिख बरादरी का एहतजाज, मुजाहिरीन की भारत मुखालिफ बैनर्स उठाकर नारेबाजी, शुरका का कहना था सिखों को दहशतगर्द कहने वाली मोदी सरकार का अपना मकरू चेहरा खुलकर सामने आ गया। वक्त कम मुकाबला सख्त, क्रिकेट की आलमी जंग के आगाज से पहले तैयारियों को फाइनल करने का आखिरी मौका, शाहीनों ने हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम का रुख कर लिया, ओपनिंग किससे कराएं, शाहीन आफरीदी का बॉलिंग पार्टनर कौन होगा, मैनेजमेंट ने सर जोड़ लिए, बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें जारी, पाकिस्तान का दूसरा वार्म अप मैच कल ऑस्ट्रेलिया से होगा। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को क्या हिकमत अमली बनानी चाहिए, गेम प्लान क्या होना चाहिए, समा पर आलमी कप की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन जारी, प्रोग्राम जोर का जोड़ में शाहिद आफरीदी और मुश्ताक अहमद ने माजी की यादें शेयर की, आफरीदी ने कहा 99 वर्ल्ड कप के फाइनल में टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला हैरानकुन था। पाकिस्तानी कोपेमा नायला क्यानी का एक और एजाज, चीन में दुनिया की छठी बुलंदतरीन चोटी चो ओयो को सर कर लिया, नायला क्यानी ये चोटी सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून है। हरदीप सिंह के कत्ल के खिलाफ पेरिस में सिख बरादरी का एहतजाज, मुजाहिरीन की भारत मुखालिफ बैनर्स उठाकर नारेबाजी, शुरका का कहना था सिखों को दहशतगर्द कहने वाली मोदी सरकार का अपना मकरू चेहरा खुलकर सामने आ गया। वक्त कम मुकाबला सख्त, क्रिकेट की आलमी जंग के आगाज से पहले तैयारियों को फाइनल करने का आखिरी मौका, शाहीनों ने हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम का रुख कर लिया, ओपनिंग किससे कराएं, शाहीन आफरीदी का बॉलिंग पार्टनर कौन होगा, मैनेजमेंट ने सर जोड़ लिए, बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें जारी, पाकिस्तान का दूसरा वार्म अप मैच कल ऑस्ट्रेलिया से होगा। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को क्या हिकमत अमली बनानी चाहिए, गेम प्लान क्या होना चाहिए, समा पर आलमी कप की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन जारी, प्रोग्राम जोर का जोड़ में शाहिद आफरीदी और मुश्ताक अहमद ने माजी की यादें शेयर की, आफरीदी ने कहा 99 वर्ल्ड कप के फाइनल में टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला हैरानकुन था। पाकिस्तानी कोपेमा नायला क्यानी का एक और एजाज, चीन में दुनिया की छठी बुलंदतरीन चोटी चो ओयो को सर कर लिया, नायला क्यानी ये चोटी सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून है। और रोमानवी अंदाज, मुतासर खुन्ना आवाज, चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद की आज सालगिरह, अरमान, देवर भाभी, अंदलीप और दिल मेरा धड़कन तेरी जैसी कामयाब फिल्में मद्दाहों को आज भी याद।